हेलो, आज का जो एलिमेंट ऑफ आर्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ वैल्यू, ये थोड़ा सा लिंक्ड है कलर के साथ। और वैल्यू का बेसिक मीनिंग है लाइट एंड शीट, मतलब कलर के अंदर लाइट एंड शीट कि कितने परसेंट लाइट जा रही है, कितने परसेंट डार्क है वो, है ना। और इसी चीज़ इसी वैल्यू के अंदर या कलर टॉपिक के अंदर तीन टॉपिक हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तीन टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वैल्यू, ह्यू एंड सेचुरेशन। ये तीनों आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल क्वेश्चंस में ये चीज़ आती है, ठीक है, इनमें से किसी के बारे में पूछ लेते हैं। और लार्जली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो, हम बात कर रहे हैं आज की डेट में एलिमेंट ऑफ आर्ट वैल्यू। वैल्यू इज डायरेक्टली लिंक विद द लाइट, है ना। ये लाइट के ऊपर लिंक कर रहा है कि ये वाइट है, ये डार्क साइड में है। यहाँ बात हो रही है लाइट की, उसके बाद बात हो जाती है ह्यू की। ह्यू इज ए कलर, जैसे येलो, येलो इज ए कलर, रेड इज ए कलर, ब्लू इज ए कलर, है ना, ग्रीन इज ए कलर। ये ह्यू की बात हो रही है कलर की। सेचुरेशन में बात करते हैं कि कलर में कितना कंटेंट है, कलर में कितना रेड पिगमेंट है, कलर में कितना येलो पिगमेंट है, कलर में कितना ब्लू पिगमेंट है। यहाँ पिगमेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। अब और जीके के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ पूछी जाती है कि विच पार्ट ऑफ आर आई, हमारी आई का कौन सा पार्ट कलर को रिकॉग्नाइज करता है, तो उसका आंसर है कोन सेल्स, ठीक है। हमारे आई के अंदर कौन सेल्स होते हैं जो कलर को रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मेरे को यहाँ बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। एक कई बार सिविल सर्विस में पूछ लेते हैं कि हमारी जो शेडो होती है वो डार्क कलर में क्यों होती है या वो ग्रेज में क्यों जाती है। हर एक इंसान जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें से कलर रिफ्लेक्ट होता है ना, तभी वो कलर दिखता है हमें। बट शेडो के अंदर जो कलर है, जो वाइट लाइट है, ड्यू टू ऑब्जेक्ट के होने के कारण उसकी बैक साइड पे लाइट जा नहीं पाती। आपको कलर में, आपने कलर वाले वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा लाइट है, लाइट कंटेन्स ऑल द कलर्स। सो शेडो के अंदर कलर नहीं होता, शेडो हमारी ग्रेज के अंदर जाती है। कभी डार्क ग्रे हो जाएगा, कभी लाइट ग्रे हो जाएगा, बट वो ग्रेज के अंदर होती है क्योंकि वहाँ तक लाइट नहीं पहुँच पाती, वाइट लाइट नहीं पहुँच पाती, दैट्स वाई वो कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। इसका आंसर ये है, ठीक है। और ह्यू को मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी इन तीनों टर्म्स को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैल्यू, सेचुरेशन एंड ह्यू, इसको इंटेंसिटी भी बोल लेते हैं हम। वैल्यू का मीन्स है लाइट, लाइट ज़्यादा पड़ रही है, लाइट कम पड़ रही है, इट इट डील्स इन दिस थिंग वैल्यू। ह्यू, ह्यू का मतलब है कलर, कलर की बात कर रहे हैं वो। सेचुरेशन है कि रेड, रेड कितना है। अब रेड के अंदर हमारे पास बहुत सारे शेड आते हैं, ठीक है, जैसे पिंक हो गया, जैसे स्कारलेट रेड आ गया, क्रिमजन रेड आ गया। सो जो ये वाले तीनों रेड हैं, इनके अंदर लाइट, वैल्यू और सेचुरेशन, ये दोनों चीज़ें मिलके डिसाइड करती हैं कि कलर कौन से टिंट में आ रहा है, ठीक है, कौन सा शेड दे रहा है कलर का। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वैल्यू में, एलिमेंट ऑफ आर्ट के अंदर वैल्यू टॉपिक के अंदर आज इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट ड्राइंग। थैंक यू।